we have to be attentive here mentally and physically. We need to focus, we need to make eye contact, and hame apna 100% attention वहाँ रखना है जब हम किसी से बात कर रहे हैं. चाहे वो 2 मिनट के लिए कीजिए, आप 10 मिनट के लिए मत बात कीजिए, 2 मिनट के लिए कीजिए, कट इट शॉर्ट, बट मेक द अदर पर्सन रियलाइज दैट यू आर देयर फॉर देम. आप उनको सुन रहे हैं और आप सच में उनको सुनिए. आपको अंदर से लगेगा जब आप उनको सुनेंगे आपके पास सॉल्यूशन. हम तो उनको सुनते हैं मगर वो तो हमें नहीं सुनते हैं. ऐसी कंडीशन आती है, इतने बुरा हाल होता है ना, तो पत्थर मारने को तैयार होते हैं सर पे जो आती है ही. आपकी बात बिल्कुल सही है. इतना मतलब इतना माइंड डिस्टर्ब कर देती है हमारा भी अपना ही. आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, दैट इज व्हाट यू आर हियर फॉर. आप अगर डिस्टर्ब हो जाएंगी तो आप में और उनमें क्या तैयार नहीं होते ना, कुछ बात ही नहीं सुनने को तैयार. उनमें कोई तैयार मैं बताती हूँ, वो कैसे सुनेंगे आपको, वो कैसे सुनेंगे आपसे, कितने उनको इतना आराम से. आई कैन अंडरस्टैंड आपकी एवरी डे हाउ टफ इट इज फॉर यू टू गो थ्रू. आई नो, बट आई ऑल्सो डील विद सो मेनी ट्रेनीज. इट्स बीन 15 years एक्सपीरियंस आप चलेंगे. अगर फेल हो जाए तो नेक्स्ट क्लास में फिर से बताइएगा कि मैम ये फेल हो गया, नहीं चाहता. आई एम रेडी टू गिव यू दी सोल्यूशन, आई विल गिव यू व्यू पॉइंट. नॉट सॉरी, बोलते हैं आपकी निरंतरता नहीं कितनी होती है, क्या समझाओगी तुम हमें ऐसे, इतना बदतमीजी से बोलती है. आपको क्या करना है, वो जितना भी गंदा बोल रही है, जितना भी खराब बोल रही है, जितना जो कुछ भी बोल रही है, एक बार उनको बोलने दो. गिव देम चांस टू स्पीक. प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी ट्राई टू स्टॉप देम एंड इम्पोज आवरसेल्फ्स टू देम. हम लोग जब उनको सुनते नहीं है, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई आपको पहले उनको खाली तो करना पड़ेगा ना, उनके अंदर जगह तो डालनी पड़ेगी ना अपनी बात डालने के लिए, उनके अंदर जगह ही नहीं है. नाउ सपोज दिस इज ग्लास ऑफ वाटर, डू यू थिंक वी कैन एड सम मोर इन इट? और इफ वी एड समथिंग इन इट, सपोज इफ फोर्सफुली हमने कुछ ऐड कर भी दिया, इसका कलर जो है, हमारा जो भी कॉन्वर्सेशन होगा, जो भी थॉट प्रोसेस होगा, वो उसमें जाके कैसा हो जाएगा, जो इसका कलर है. ये तो ट्रांसपेरेंट है, बट उसके उसमें तो बहुत सारे कलर्स होते हैं ना. उसमें डिसअपॉइंटमेंट का कलर होता है, सफरिंग का कलर होता है, हर्ट्स का कलर होता है, तकलीफ का कलर होता है, शिकायत का कलर होता है, ना सुन पाने का कलर होता है. उसमें कितने सारे कलर्स ऐड हैं आप देखिए ना, ठीक है. और उसके ऊपर हम भी उसमें अपना अच्छा वाला बात भी डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, वो कस्टर्ड बन जाएगा, है ना. और फिर क्या होगा कि हमारी जो कही हुई बात है दैट वुड ओवरफ्लो, वो कभी भी फिर काम नहीं आएगा. तो हमको अगर उसको सही करना है